तुम लोगों को मेरे टिफिन की खुशबू नहीं आ रही है क्या? नहीं तो पर ऐसा क्या है तुम्हारे टिफिन में? अरे आज मेरी मम्मी ने बड़ी खास चीज भेजी है। वो क्या? आलू के पराठे और आम का अचार। आलू के पराठे, आम का अचार। तुम्हारी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह, मजा आ गया। तुमने मेरे आलू के पराठे खाए? मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। सर, सर, चिंटू ने मेरा टिफिन खा लिया। सर, क्या कोई खास चीज थी तुम्हारे टिफिन में? हाँ सर, मेरी मम्मी ने आलू के पराठे भेजे थे। चिंटू, तुम यहाँ मत आया करो। तुम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हो, इसलिए अगर वीर से मिलना है तो बाहर ही मिला करो। दोबारा स्कूल में दिखाई मत देना। चलो अब यहाँ से रवानगी डाल लो। चिंटू, तुम जाओ यहाँ से और यहाँ फिर मत आना। मिस्टर कक्कड़, कुछ दिनों के लिए एक टेम्पररी टीचर चाहिए। अब आया बात में नमक। अब देखता हूँ कोई कैसे मुझे वीर से दूर करता है। मैं स्कूल का स्टूडेंट नहीं हूँ, कोई बात नहीं, टीचर बन जाता हूँ। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। सर, मैं टीचर हूँ। मेरा नाम हरदयाल शर्मा है, मुझे जॉब चाहिए। ओके, मिस्टर शर्मा, आप अपनी डिग्री दिखाइए। एक मिनट, बताता हूँ मुझे कितने डिग्री टेम्परेचर है। ये आप क्या मजाक कर रहे हैं? डिग्री? मुझे आपकी डिग्री चाहिए। मतलब कि जैसे किसी के पास डॉक्टर की डिग्री होती है, किसी के पास इंजीनियर की, किसी के पास पायलट की, वैसे ही हर इंसान के पास अलग अलग डिग्री होती है। हम आपका कार्यानुभव यानी एक्सपीरियंस और आपकी डिग्री एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। ओ, मेरी डिग्रीज? हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये देख लीजिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और पायलट भी? ओह नो, आप साइंटिस्ट भी हैं, बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम अमेरिका, स्कल्प्टर, पेंटर, आर्टिस्ट, सिंगर, एक्टर, सब कुछ। क्या बात है, आप तो चलते फिरती यूनिवर्सिटी हैं।